चाहिए होता है कि अच्छी मूवी का सीन नहीं बनते, बोल नहीं सकता, अगर बोलने मुझे डर लग रहा है, आओ पिक्चर देखने और सस्पेंस ही आपका पूरा पैसा वसूल हो जाएगा। हिट टू मूवी फ्रॉम टॉलीवुड तेलुगु, और एक मस्त सस्पेंस मूवी, थ्रिलर मूवी, एक्सेलेंट मूवी, एक्साइटेड मूवी, परफेक्ट मूवी। मतलब कि कहाँ ना कहाँ नानी और आदेश श्रीवास्तव बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन था। पिक्चर वॉज वेरी नाइस, सस्पेंस वॉज आउटस्टैंडिंग, थ्रिलर वॉज आउटस्टैंडिंग। मतलब कि हिट वन से हिट टू एक लेवल ऊपर जा रही है देखा जाए तो। कहाँ ना कहाँ मतलब पिक्चर में ऐसा दिखाया, बाप रे, हार्ट ड्रॉप, मतलब कि सारा आदमी डर जाएगा। मतलब उस टाइम पे ऐसा लग रहा कि मैं तो भाग जाऊँ थिएटर पर, बहुत डर गया। मतलब इतना डेंजर दिखाया मूवी में, और कहाँ ना कहाँ पिक्चर का सस्पेंस तो माय गॉड माइंड ब्लोइंग है यार। हैट्स ऑफ टू डायरेक्टर ऑफ द मूवी जिसने हिट टू बनाई है। मतलब कि हिट वन मैंने देखा तो मेरा इंटरेस्टिंग तो उसमें तो गया ही नहीं था, हिट टू में तो मतलब मैं एज ऑफ द सीट का लास्ट तक एज ऑफ द सीट की क्या मूवी में हो रहा है, और सस्पेंस तो माइंड ब्लोइंग। मतलब आप जाओ पिक्चर देखने और सस्पेंस ही आपका पूरा पैसा वसूल हो जाएगा। और कहाँ ना कहाँ वो जो बॉडी दिखाया ना, बाप रे, वो मतलब मैं बोल नहीं सकता, अगर बोलने में मुझे डर लग रहा है कि इतना शेक हो रहा है मेरा बॉडी, वो बोलने और देखने में मुझे डर लग रहा है। तो मैं पब्लिक को रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसा थ्रिलर, ऐसा सस्पेंस देखना है तो ज़िंदगी में नहीं देखोगा। हिट टू, आदेश श्रीवास्तव और नानी, या मेरे कहाँ ना कहाँ से थर्ड पार्ट भी आएगा, और थर्ड पार्ट में आपको बहुत मज़ा आएगा। मतलब कि एक और लेवल होगा, लेकिन हिट टू मेरे को लगता है अभी जितनी भी पिक्चर है आज जो लगी है फ्राइडे को, सबसे बेस्ट हिट टू ही मुझे लगी। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम द टीम ऑफ हिट टू, और ये पिक्चर सुपर हिट होने वाली है। सुपर वर्क, सुपर सिनेमाटोग्राफी, सुपर स्क्रीन प्ले। फर्स्ट हाफ वॉज वेरी गुड, सेकेंड हाफ वॉज वेरी गुड। मतलब पिक्चर बहुत एंगेज है, बहुत एंगेज कर सकती है। मतलब आप उस पिक्चर के अंदर ही खो जाओगे सर। सर वो मैं बोल नहीं सकता, मैं बोल रहा हूँ, मैं बोलने के टाइम में मैं घबरा रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है। मैं ऐसा लग रहा थिएटर में पब्लिक बैठी करके मैं डरा नहीं, लेकिन मेरे को अभी भी धकधक हो रहा है उसी के, तो मैं बहुत डर गया हूँ सर। रेटिंग मैं इस पिक्चर को 5 में से 3.5 दूंगा सर। अरे सर जाइए, अगर आप ये पिक्चर देखने की हिम्मत रखते हैं ना तो जाइए। मैं तो हिम्मत नहीं रख रहा हूँ, मुझे तो डर लग रहा है। रात को लगता है मैं ऐसे तो जाता हूँ रिक्शा में, लेकिन मैं बस में जाऊँगा 15-20 आदमी के, मुझे बहुत डर लग रहा है, अभी भी मेरा हाथ शेक हो रहा है। 100% आना चाहिए, एनी हाउ आना ही चाहिए इसको, हिंदी पैन इंडिया में आना ही चाहिए, तो बहुत मज़ा आने वाला है सर। ये पिक्चर सुपर डुपर हिट होने वाली। अभी हाल ही में जैसे दृश्यम भी, थ्रिलर मूवी, सस्पेंस मूवी, तो कहाँ ना कहाँ मैं बैठ रहा था मुझे दृश्यम भी याद आ रही थी, तो ये दृश्यम जैसी एक मूवी है। यस सर, बहुत कम है इसका स्क्रीन बढ़ाना चाहिए। मैं दरख्वास्त करूँगा, जैसे कंतारा का स्क्रीन बढ़ाया, जैसे दमन का स्क्रीन बढ़ाया, तो ये ऐसे ही होता है कि अच्छी मूवी का स्क्रीन नहीं बढ़ते, फालतू पिक्चरों का देखो तो स्क्रीन बढ़ाते हैं। अभी आया एक्शन हीरो लगी, उसके इतने स्क्रीन है, अब पिक्चर में कोई दम ही नहीं है, और ये इतनी अच्छी पिक्चर है कि उसका स्क्रीन नहीं बढ़ाते। मेरे को प्रॉब्लम क्या है, एग्जीबिटर लोगों को मुझे समझ में नहीं आता, अच्छी पिक्चरों को ध्यान नहीं देते और गंदी पिक्चर का शो बढ़ाते। कितना रेटिंग देना चाहिए? हाँ सर, कितना रेटिंग देना? आप बोला 3.5।